कौन थी दिलीप कुमार की पहली मोहब्बत, जिनके साथ शादी करने का सपना देखने लगे थे दिलीप कुमार। साथियों, बॉलीवुड की अनसुनी कहानियों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड स्टोरी विथ मी। मेरे YouTube दोस्तों, आपने मेरे इस YouTube चैनल पर बॉलीवुड के महान अदाकार दिलीप कुमार और बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मधुबाला की 9 सालों तक चली अधूरी प्रेम कहानी के किस्से सुने होंगे। पर वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा मधुबाला ट्रेजडी किंग दिलीप कुमार की पहली मोहब्बत नहीं थी, तो फिर कौन थी अभिनय के बादशाह कहे जाने वाले दिलीप कुमार की पहली मोहब्बत, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, फिल्मी दुनिया के महान अभिनेता दिलीप कुमार का दिल पहली बार जिस खूबसूरत हसीना के लिए धड़का, जिन्हें पहली बार खुद दिलीप कुमार ने प्रपोज किया और जो दिलीप कुमार की पहली मोहब्बत बनी, जिनके साथ दिलीप कुमार शादी करके घर बसाने का सपना देखने लगे थे, उस बेइंतहा हसीन और मल्टी टैलेंटेड बॉलीवुड की पहली हाईली एजुकेटेड हीरोइन का नाम है उमा कश्यप उर्फ उमा सूद उर्फ कामनी कौशल। दोस्तों, कामनी कौशल, जिनका असली नाम उमा कश्यप था, का जन्म वर्ष 1927 में लाहौर में हुआ था। इनके पिता शिवराम कश्यप लाहौर में पंजाब विश्वविद्यालय में बॉटनी के फेमस प्रोफेसर थे। ये हिमालय रेंज में ब्रायोफाइटस के विशेषज्ञ थे। इनको फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कहा जाता है। उमा कश्यप दो भाइयों अमरनाथ और केदारनाथ और दो बहनों उषा और पुष्पा में सबसे छोटी थीं। महज 7 साल की उम्र में उमा कश्यप के सिर से पिता का साया उठ गया। उमा कश्यप ने इंग्लिश में बीए ऑनर्स किया। पढ़ाई के साथ साथ ये घुड़सवारी, तैराकी, स्केटिंग में भी माहिर थी। अपना जेब खर्च चलाने के लिए उमा ने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया और रेडियो ड्रामा विभाग में नियमित और लोकप्रिय कलाकार बन गईं। तुम्हें देखकर बिल्कुल अच्छी हो गई भैया, कभी तो लगता था तुम्हें ना देख सकूंगी। रेडियो में काम करने के बदले इन्हें 10 रुपए मिलते थे। दोस्तों, आपको बताते चलें, उमा कश्यप की बड़ी बहन लाहौर के जिस कॉलेज में पढ़ती थी, उसी कॉलेज में महानायक अमिताभ बच्चन की माताजी तेजवंत कौर सूरी यानी तेजी बच्चन भी पढ़ती थीं। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। उमा कश्यप बनी कामनी कौशल। उमा जब ऑल इंडिया रेडियो पर रेडियो नाटक कर रही थी, तब प्रसिद्ध अभिनेता देवानंद के भाई चेतन आनंद ने रेडियो पर उनकी आवाज सुनी। चेतन आनंद को उनकी आवाज बहुत अच्छी लगी। चेतन आनंद उस समय अपनी पहली फिल्म नीचा नगर की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने उमा को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया, पर उमा का फिल्मों में काम करने का कोई इरादा नहीं था। पर चेतन आनंद ने उनके भाई केदार से बात की और उमा को फिल्म में काम करने के लिए राजी कर लिया। चेतन आनंद ने अपनी पहली फिल्म नीचा नगर की शुरुआत की। उन्होंने अपनी इस फिल्म में पहली बार उमा को एक हीरोइन के रूप में साइन किया। इस फिल्म में चेतन आनंद की पत्नी उमा आनंद भी काम कर रही थी। एक ही फिल्म में दो उमा नहीं हो, इसलिए चेतन आनंद ने उमा कश्यप का नाम बदलकर नया नाम रखा कामनी कौशल। इस तरह उमा कश्यप बन गई कामनी कौशल। फिल्म नीचा नगर, जो एक आर्ट फिल्म थी, 1946 में रिलीज हुई और इस फिल्म में पहली बार कामनी कौशल एक हीरोइन के रूप में रुपहले पर्दे पर नजर आई। फिल्म नीचा नगर कामनी कौशल की पहली फिल्म थी।
इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे चेतन आनंद। इसी फिल्म में महान सितार वादक पंडित रविशंकर ने पहली बार संगीत दिया था। फिल्म नीचा नगर का पहला शो 29 सितंबर 1946 को फ्रांस के कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। इस फिल्म को गोल्डन पाम पुरस्कार मिला। कामनी कौशल की यह पहली फिल्म नीचा नगर विदेश में अपना परचम लहराने वाली पहली इंडियन फिल्म बनी। कामनी कौशल मशहूर हो गईं। उन्हें हिंदी सिनेमा में बतौर हीरोइन काम करने का ऑफर मिलने लगा। 1947 में कामनी कौशल की फिल्म दो भाई रिलीज हुई, जो उस साल की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसके बाद राज कपूर के साथ फिल्म जेल यात्रा रिलीज हुई। अपनी खूबसूरती और अभिनय कौशल के दम पर कामनी कौशल देखते देखते उस दौर के बड़े बड़े हीरो अशोक कुमार, राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद के साथ बतौर हीरोइन काम करने लगी। कैसे मिले कामनी कौशल और दिलीप कुमार? दोस्तों, साल 1947 के अंतिम महीनों में फिल्मिस्तान लिमिटेड के बैनर तले निर्देशक रमेश सहगल ने अपनी फिल्म शहीद में दिलीप कुमार को हीरो और कामनी कौशल को बतौर हीरोइन साइन किया। इस फिल्म में कामनी कौशल पहली बार दिलीप कुमार के साथ काम कर रही थी। फिल्म शहीद में 25 साल के दिलीप कुमार बने फिल्म के नायक राम और 20 साल की कमसीन कामनी कौशल बनी फिल्म की नायिका शीला। फिल्म शहीद के सेट पर पहली बार हिंदी सिनेमा के पहले खान दिलीप कुमार और उस दौर की हिट हीरोइन कामनी कौशल का आमना सामना हुआ। कामनी कौशल की खूबसूरती को देखकर दिलीप कुमार पहली नजर में ही कामनी कौशल को अपना दिल दे बैठे। फिल्म शहीद की शूटिंग साथ साथ करते करते दोनों की आपस में दोस्ती हो गई। फिल्म के रोमांटिक सीन करते करते उनकी नजरें चार हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दिलीप कुमार के दिल में कामनी कौशल समा गईं। उनको कामनी कौशल से बे इंतहा इश्क हो गया। उधर कामनी कौशल के दिल में भी दिलीप कुमार के लिए प्यार के अंकुर फूटने लगे। फिल्म शहीद की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। दिलीप कुमार की पहली मोहब्बत बन गई कामनी कौशल और कामनी कौशल के पहले प्रेमी बन गए दिलीप कुमार। दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह खो गए। दिलीप कुमार कामनी कौशल पर इस कदर फिदा हो गए कि वे कामनी कौशल से शादी करके अपना घर बसाने का सपना देखने लगे। हमारी आत्मा एक हो चुकी है। मशहूर उर्दू लेखक इस्मत चुगताई के अनुसार दिलीप कुमार को कामनी कौशल से सच्ची मोहब्बत हो गई थी। दिलीप साहब ने जितना प्यार कामनी कौशल से किया उतना कभी किसी से नहीं हो पाया था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिलीप कुमार जब कामनी कौशल को अपने दिल की बात बताते, अचानक ऐसा हादसा हो गया कि दिलीप कुमार का कामनी कौशल के साथ घर बसाने का सपना अधूरा ही रह गया। कामिनी कौशल की बड़ी बहन की शादी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के चीफ इंजीनियर बीएस सूद से हुई थी और उनकी दो बच्चियां थीं, कुमकुम और कविता। एक दिन कार एक्सीडेंट में कामनी कौशल की बड़ी बहन की मौत हो गई। परिवार में दो छोटी बच्चियों को संभालने वाला कोई नहीं था। ऐसे में कामनी कौशल के परिवार वालों ने कामनी कौशल की मर्जी जाने बिना ही यह फैसला कर लिया कि कामनी कौशल की शादी उनके बहन के पति यानी जीजाजी के साथ करा दी जाए। इससे दोनों बच्चियों को माँ की ममता, माँ का प्यार मिल जाएगा, उनकी परवरिश ठीक से हो जाएगी।
यह बात जब कामनी कौशल को पता चली तो उन्होंने पहले तो इस शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन परिवार के दबाव और बड़ी बहन की दो छोटी बच्चियों का मुंह देखकर वे अपने परिवार का फैसला मानने के लिए मजबूर हो गईं। अपने फिल्मी कैरियर के शुरुआत में ही 20 साल की कामनी कौशल को 1947 में अपने जीजा बीएस सूद से शादी करनी पड़ी। अपनी असली जिंदगी में वे बन गईं उमा सूद। शादी के बाद कामनी कौशल लाहौर को छोड़कर पूरी तरह मुंबई के मालाबार हिल में अपने पति के बंगले में शिफ्ट हो गईं। इस समय फिल्म शहीद की शूटिंग चल रही थी, पर अब फिल्म की हीरोइन कामनी कौशल फिल्म की शादीशुदा हीरोइन थीं। 1948 में दिलीप कुमार के साथ कामनी कौशल की पहली फिल्म शहीद रिलीज हुई। यह फिल्म साल 1948 की बहुत बड़ी हिट फिल्म बन गई। दर्शकों के साथ साथ फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर लोग भी दिलीप कुमार और कामनी कौशल की इस रोमांटिक जोड़ी को बहुत पसंद करने लगे। शादीशुदा होने पर भी कामनी कौशल फिल्मी दुनिया में सफलता की नई ऊंचाइयां छूने लगीं। रुपहले पर्दे पर दिलीप कुमार और कामनी कौशल की अच्छी केमिस्ट्री को देखकर कामनी कौशल के शादीशुदा होने पर भी फिल्मों में हीरोइन के रूप में काम करने का ऑफर उन्हें मिलने लगा। दिसंबर 1948 में दिलीप कुमार और कामनी कौशल की दूसरी फिल्म रिलीज हुई नदिया के पार। इसमें दिलीप कुमार कुंवर जी और कामनी कौशल फुलवा बनी। यह फिल्म भी काफी हिट रही। नदिया के नारे तोरे। दिलीप कुमार और कामनी कौशल की अगली फिल्म शबनम अप्रैल 1949 में रिलीज हुई, जिसमें दिलीप कुमार ने मनोज और कामनी कौशल ने शांति का रोल किया। यह फिल्म भी हिट हो गई। जून 1950 में इस हिट जोड़ी की एक और फिल्म आई, जिसका नाम था आरजू। इस फिल्म में दिलीप कुमार बने बादल और कामनी कौशल बनी कम्मो। यह फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो गई। नस नस में अमृत भूल गया। डायरेक्टर पी एन अरोड़ा के अनुसार दिलीप कुमार और कामनी कौशल ने कई हिट फिल्मों में साथ साथ काम किया। दोनों की जोड़ी को रुपहले पर्दे पर काफी पसंद किया जाने लगा। फिल्मों की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार और शादीशुदा कामनी कौशल का प्यार परवान चढ़ा और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। जंगली रहेगा, छोड़, मेरा हाथ टूट जाएगा। दोनों के अफेयर के चर्चे लोगों की जुबान और मीडिया में होने लगे। तरह तरह की बातें होने लगी। कामनी कौशल के पति वीएस सूद को दिलीप कुमार और कामनी कौशल के रिश्ते के बारे में पता था, पर उन्होंने कभी भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं किया। कामनी कौशल के एक इंटरव्यू के अनुसार उनके हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने यह कहकर सबका मुंह बंद कर दिया कि दिलीप कुमार और कामनी के बीच प्योर लव है। कामनी कौशल के भाई जो सेना में थे, जब उन्हें अपनी शादीशुदा बहन कामनी कौशल और दिलीप कुमार के प्रेम प्रसंग की बात पता चली तो उनको बहुत गुस्सा आया। वे फिल्म आरजू के सेट पर पहुंच गए। उनके हाथ में बंदूक थी। उन्होंने कामनी कौशल और दिलीप कुमार को जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने दिलीप कुमार से कहा वे कामनी से रिश्ता तोड़ लें। उन्होंने कहा अगर ये अफेयर जारी रहा तो वे ऐसा ही करेंगे। लेकिन दिलीप कुमार और कामनी कौशल किसी भी कीमत पर एक दूसरे को छोड़ने और अपने रिश्ते को खत्म करने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में कामनी कौशल के भाई का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। और एक दिन भाई ने खुद को गोली मार ली। इस हादसे से दिलीप कुमार और कामनी कौशल डर गए, बहुत परेशान हो गए और अंत में इस हादसे के बाद उन्होंने अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया।
कामनी कौशल दिलीप कुमार की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल गईं और अपने पति के घर परिवार में रच बस गईं। कामनी कौशल फिर दोबारा कभी भी दिलीप कुमार की जिंदगी में लौटकर नहीं आईं। इसके बाद उन्होंने दिलीप कुमार के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। फिल्म आरजू दिलीप कुमार के साथ कामनी कौशल की अंतिम फिल्म थी। किस्मत में बिछड़ना था। कामनी कौशल अब दूसरे अभिनेताओं के साथ बतौर अभिनेत्री काम करने लगीं। आगे चलकर वे चरित्र भूमिकाएं करने लगीं। दिलीप कुमार की पहली मोहब्बत कामनी कौशल उनसे सदा सदा के लिए दूर हो गईं और दिलीप कुमार अपनी पहली मोहब्बत का आसियाना बनने से पहले ही टूट जाने के बाद धीरे धीरे ट्रेजेडी किंग बनते चले गए। कामनी कौशल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि दिलीप साहब ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि वे मुझसे अलग होने के बाद टूट कर बिखर गए थे, लेकिन हकीकत यह है हम दोनों ही बिखर गए थे और फिर संभलने में काफ़ी वक्त लग गया। हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। कामनी कौशल ने आगे कहा, लेकिन क्या कर सकते थे, मैं यह कहकर अपने हस्बैंड को धोखा नहीं दे सकती थी कि अब बहुत हुआ, मैं जा रही हूँ, मैं अपने दिवंगत बहन को क्या मुंह दिखाती। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान थे, वे समझते थे ऐसा क्यों हुआ, प्यार में कोई भी पड़ सकता है। यह प्रेम रिश्ता टूट जाने के कई सालों के बाद 2013 में 90 साल के दिलीप कुमार और 86 साल की कामनी कौशल का आमना सामना अभिनेता प्राण के देहांत के बाद उनके चौथे पर हुआ। दिलीप कुमार अपनी पत्नी सायरा बानू के साथ आए थे। इस दौरान दिलीप कुमार की कुर्सी के ठीक बगल में कामनी कौशल बैठी थी, लेकिन दिलीप कुमार अपनी बीमारी के कारण अपनी पहली मोहब्बत कामनी कौशल को पहचान नहीं पाए। प्रसिद्ध उर्दू लेखक इस्मत चुगताई के अनुसार पहली मोहब्बत कामनी कौशल के बाद दिलीप कुमार की लाइफ में मधुबाला, बैजंती माला, सायरा बानो और आसमा रहमान आईं, पर कामनी कौशल की जगह हमेशा अलग रही।